कम बोलना है, माँ भी बोलिए चुप रहना है, कम बोलना है। मेरी मम्मी भी हमको बार बार फोन करके बोल रही है कि चिंकी थोड़ा कम बोलना, चुप रहना है। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद निशा। तो ये है मेरा कलर और मेरा मेहंदी का कलर बहुत 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 सुंदर आया है, ये रहा ऐसा कुछ। और मैंने इस हैंड में रात को जब मैं सलवी खाने के लिए उठी थी ना, तब मैंने इसमें लगाया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में खुद से लग नहीं पाता है। सो ये रीज़न है कि मैंने इसे राउंड राउंड रख लिया और अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, बट इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और माँ का भी हाथ का कलर बहुत अच्छा आया है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, काम वाम सब करवा दी हूँ मैं, पीसी आई थी जो घर में काम वाम करती है वो आई थी, तो सारा काम वगैरह करके चली गई है। फिर मैं एक अच्छे से मैं 1-1.5 घंटे का फिर से मैंने नैप ले लिया है और अभी बज रहे हैं 10। अब मैं उठूँगी, अपना गोल्ड वगैरह सब कुछ निकालना है, सारा सामान को एक जगह करना है, ये सब करते हैं। और कल परसों से जो इतना कपड़ा जमा हुआ है मैं इसे एक जगह पे करती हूँ। तो भाई साहब बहुत काम है, मैं ये सब निपटाती हूँ फिर सो जाऊँगी, क्योंकि जब अभी मुझे ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है, कुछ नहीं, पूजा से 2-3 घंटे पहले करना है, तो शाम की तरफ तो मैं डायरेक्ट उसी टाइम पर करूँगी। इसलिए अभी जितना हो सके उतना सिर्फ सोए रहें ताकि भूख ना लगे, प्यास ना लगे। इससे पहले मैंने चौथ किया था, बट चौथ में क्या था ना, शाम को फल वगैरह खा लेना था पूजा करने के बाद। बट तीज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रही हूँ, मतलब कोई भी फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ जो पूरा लंबा टाइम, मतलब नेक्स्ट डे। कल अब मैं सुबह खाऊँगी 2-3-2.5 बजे जैसा टाइमिंग होता है। तो आज का यही अपडेट है, अभी जाते हैं कुछ कुछ काम निपटाते हैं। अब बने रहो, देखो कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ब्लैंकेट अभी वैसे के ऐसे ही खुला हुआ है क्योंकि मैं अभी भी सो रही हूँ। चलिए ज़्यादा आज नहीं बोल सकते क्योंकि बोलने पे मुँह सूख रहा है, मतलब पानी प्यास जैसे लगेगा, इसलिए कम बोलना है। माँ भी बोलिए चुप रहना है, कम बोलना है। मेरी मम्मी भी हमको बार बार फोन करके बोल रही है कि चिंकी थोड़ा कम बोलना, चुप रहना है। ठीक है, आज हम एकदम शांत रहेंगे, हम एकदम कहीं ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एकदम शांत अपने रूम में पड़े रहेंगे ताकि हमको भूख वगैरह ना लगे, प्यास ना लगे। मैं इतना बोल दी, अब चुप रहते हैं, चलो बाय। पर मैं उठ चुकी हूँ और मैं कर रही थी सामान का पैकिंग वगैरह, उसका रीज़न मैं आपको 1-2 दिन बाद में बताऊँगी, 1-2 दिन नहीं, देखते हैं, आजकल मैं बता ही दूँगी, आज रात तक कुछ कंफर्म हो जाए फिर मैं बताती हूँ। और तीज के दिन, छठ पूजा के दिन, चौथ और ज्योति है, ये सब कुछ कुछ जो फास्टिंग होता है तो मुझे पहले से ही पता था, मैंने मम्मी को देखा है। तो ये सब दिन पर ना ये जो दातुन होता है आम का लकड़ी, उससे ब्रश किया जाता है मेनली, वो जो ब्रशर वाला जो ब्रश होता है उससे ब्रश नहीं करते हैं, तो दातुन से ब्रश करते हैं। ये क्या होता है पता नहीं, मतलब आम का जो डाल होता है ना उसको तोड़ा जाता है, उससे ब्रश किया जाता है। तो सिर्फ सूखा उसको ऐसे 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 करके ऐसे करना है। तो ब्रश वगैरह करते हैं, कर रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं, फिर मैं आप सबको अपना लुक पूरा दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा साड़ी पहना है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सीधी आंचल करके मैंने पहना है। और पता नहीं क्यों ये ब्लाउज मुझे मतलब मेरे नाप से ही ब्लाउज सिला गया, बट फिर भी पता नहीं क्यों ब्लाउज मुझे लूज हो रहा है, पतली हो गई, एक दिन खाना नहीं खाकर पतली हो गई, क्योंकि कल से तबीयत ख़राब चल रहा है, मैं कल से ढंग का कुछ खा पी नहीं रही हूँ। और अब समझ में आ रहा है मम्मी लोग फास्ट के टाइम मतलब कैसे एकदम मुरझा मुरझा से क्यों जाती है, सीरियसली गला एकदम ना सूख जाता है और इंसान को बोलने में भी तंग होता है। तो अगर नहीं बोल पाए, अगर आवाज़ नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैं आगे से भाई सॉरी बोलती हूँ, नहीं हो पा रहा है। फिर भी फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहना है विदाउट राउंड, क्योंकि इससे पहले 2 बार तो सीधी आंचल पहनी हूँ, अपनी पहली रसोई में जो राहुल पहनाए थे, और उसके पहले शादी में जो मेरी बुआ पहनाई थी मुझे, बट आज ओके जैसा है, काम चलाओ ठीक है, बस चल जाएगा, बहुत ख़राब तो नहीं है, माँ बोली सही है, सही है, चल जाएगा। थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फेस वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने अभी तक, रेडी हो जाती हूँ फिर मैं आपको अपना लुक पूरा दिखाती हूँ। और थोड़ा सा बहुत मेस हो चुका है रूम, प्लीज़ इग्नोर करना वो सबको आप लोग, मैं आपको टर्न करूँगी ना बैक कैमरा, अगर मैं टर्न की तो बहुत मेस दिखने वाला है, इसलिए मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ उसके लिए भी। चलो पहले रेडी होते हैं अब।
यहाँ पर मैं माँ हम दोनों रेडी हो चुके हैं। ये है माँ का लुक और ये है मेरा लुक और फेस थोड़ा मिलता जुलता लग भी रहा है। अब आपको पीछे से बैक कैमरा से मैं दिखाती हूँ। जस्ट इग्नोर द मिस, जो भी मिस यहाँ पे चल रहा है, ये है पूरा लुक। अच्छा लग रहा है ना हम लोग? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि हमारे माँ कैसे लग रहे हैं। हरतालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प। तो यहाँ पे हमारा पूजा करना हो चुका है, अब फोटो सेशन होगा, उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। अभी बोलने वाले थे कि मैं नाक पर सही थी। तो यहाँ पर हम लोग का सिंदूर लगाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। माँ हम लोग को सिंदूर लगा दी और क्या करना है अब कुछ नहीं, बस चेंज करके थोड़ा सा आराम करना है। तो खाना पीना तो है नहीं, तो सो जाना है जाके। माँ अब अपना लुक दिखाइए। माँ अपना चुन्नी वगैरह तो हटा दी है, अपना लुक दिखाइए। अच्छी लग रही है ना? अच्छे लगते हैं तो बोलिएगा। हाँ अच्छा लग रही तो बोलिएगा। माँ अच्छी ही लग रही है। जा रहे थोड़ा सा हो गया पूजा वगैरह, जाकर आराम करेंगे, फिर अभी थोड़ा अपने पति से बात कर लेते हैं, उसके बाद आराम सब लोग से मिलेंगे। तो ये है यहाँ पर पूजा के बाद मेरा पूरा लुक, और लुक मैंने बहुत बार दिखा दिए है और ये इतना भारी है ना कि अब अच्छा नहीं लग रहा, अब सर में दर्द हो चुका है। और आज मैंने एक गलती की कि इसको यहाँ पे भी पिनअप करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया है, इस वजह से और टान पड़ रहा है। एनीवे तो ये है पूरा मेरा लुक, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो आज का यही रहा, आज का पूजा वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ। करने के बाद माँ भाभी सब लोग ड्रेस चेंज कर लिए, मैं बची हुई हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ ड्रेस चेंज करती हूँ। करने के बाद राहुल से भी बात हो चुका है, नाक का दर्द दे रहा और मेरा नाक का ना ये वाला खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको उसी तरीके से उसी में घुसा कर ऐसे दबा कर पहन लिया है। तो अभी ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और रिलैक्स करते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर उठना है और सुबह उठ के पूजा वगैरह करना है।
सुबह मतलब 4-5 बजे नहीं, उससे पहले उठना है, 3 बजे के लगभग उठना है। तो बस अभी चलते हैं और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो बाय।